अगर फिर भी आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हो सकता है हमने एक गलती की होगी। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सबसे पहले एक बड़ा वाला थैंक यू आप सभी को, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स हिट करने वाली हूँ। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो और मेरे कंटेंट को पसंद करते हो, जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कम्युनिटी टैब, सॉरी कम्युनिटी टैब, कम्युनिटी टैब, तो ये कम्युनिटी टैब, सॉरी टंग ट्विस्टर हो रहा है मेरे साथ, तो ये कम्युनिटी टैब, धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, तो ये कम्युनिटी टैब का ऑप्शन, हाँ तो ये कम्युनिटी टैब का ऑप्शन फिर कैसे मिला? हाँ सही है। तो आप सभी ने मेरा रिसेंटली स्टेटस देखा होगा यूट्यूब पर, तो आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि मेरे तो 1K सब्सक्राइबर्स है ही नहीं, फिर मुझे ये कम्युनिटी टैब का ऑप्शन कैसे मिला? एक्चुअली मुझे खुद को भी नहीं समझ में आया था पहले। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कम्युनिटी टैब का ऑप्शन हमें यूट्यूब पर कैसे मिलता है और कब मिलता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लोगों के वीडियोस देखे थे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि इफ़ यू हिट 10K सब्सक्राइबर्स तभी आपको ये कम्युनिटी टैब का ऑप्शन मिलेगा। और ये मैंने कुछ एक हफ्ते पहले ही सर्च किया था यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा कि यार अभी मुझे 10K सब्सक्राइबर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे एक नोटिफिकेशन आया यूट्यूब से, और मैं सोची, होता है ना अगर हमने किसी को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो उसका नोटिफिकेशन आता है कि कुछ नया वीडियो अपलोड हुआ है, तो मैंने कहा बाद में देखती हूँ क्या नोटिफिकेशन है। तो फिर जब मुझे टाइम मिला तो मैंने वो नोटिफिकेशन क्लिक किया, और उसमें लिखा था, पहले आप देख लो क्या नोटिफिकेशन था। तो उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि आप अपना कम्युनिटी टैब का ऑप्शन यूज कर सकते हो। मैं सोची यार ऐसे कैसे, क्योंकि जब मैंने वीडियो देखा था उसमें 10K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तो ये ऑप्शन मुझे इतनी जल्दी कैसे मिल सकता है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया और वहाँ लिखा था कि 1K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो फिर वो 10K वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन तब मिलेगा जब आपके पास 1K सब्सक्राइबर्स होंगे। पर फिर सवाल ये होता है कि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स तो हुए ही नहीं है, मेरे कुछ 748 सब्सक्राइबर्स थे तब। मैंने कहा यार फिर मुझे कैसे ऑप्शन मिला? एंड फिर मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि यार ऐसा ऐसा हो गया, और सब खुश और शौक भी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने मुझे फिर उसने भी गूगल किया और उसको बताया कि 500 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। मैंने कहा अरे मेरे गूगल पे तो 1000 बता रहा है, फिर ये 500 कैसे बता रहा है? सो दिस इज़ वॉट आई सॉ, एंड लेटर फाइनली 500 सब्सक्राइबर्स दिखाया। तो फिर वापस मैंने चेक किया, तो हाँ फिर आया ऑप्शन कि आपके अगर 500 सब्सक्राइबर्स है तो आपको ये कम्युनिटी टैब का ऑप्शन आपके यूट्यूब पर मिल सकता है। मैंने कहा अच्छा फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे 500 तो बहुत ही पहले हो चुके थे, तो तब ऑप्शन ही क्यों नहीं आया? फिर मैंने यूट्यूब पर कम्युनिटी टैब का गाइडलाइंस पढ़ा, और उसमें लिखा था कि आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन तभी मिलता है अगर आपके 500 सब्सक्राइबर्स होंगे। ठीक है, तो आपके 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, अगर फिर भी आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लाइक 500 होने के बाद आपको एक हफ्ता या 8-10 दिन रुकना पड़ता है तभी ऑप्शन आएगा, बट अगर तब भी नहीं आया है आपके पास तो हो सकता है हमने एक गलती की होगी, और वो ये है जो कि मैंने भी की थी। गलती मतलब हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। तो उसमें लिखा था अगर हमने अपना वीडियो येस इट इज़ मेंट फॉर किड्स, अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो हमें कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप भी अपने सेटिंग्स में जाकर, वीडियो के सेटिंग्स में जाकर आप चेक कर लीजिए कि कहीं आपने गलती से ये ऑप्शन सिलेक्ट तो नहीं किया है। अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको फिर वो कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो ये एक एग्जांपल है, जैसे कि मेरा एक वीडियो था तो मैं उसको एडिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। तो अगर हमने गलती से येस इट इज़ मेड फॉर किड्स कर दिया है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है,
तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है, देन यू आर गुड टू गो। अब रही बात मेरी, अब ये नोटिफिकेशन आने से पहले, एक दिन पहले की बात है, जस्ट मैं ऐसे अपने वीडियोस को चेक कर रही थी और उसमें यू नो एडवांस सेटिंग होता है जहाँ पे आप अपने वीडियो को एक सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक अगर आपका वीडियो गेमिंग में है तो आप गेमिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, पीपल एंड ब्लॉग्स, उस पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमारा वीडियो किस टॉपिक पर है। तो वैसे ही मैं अपने वीडियोस को चेक कर रही थी और बाय चांस ऐसी एक वीडियो को मैंने इट इज़ मेंट फॉर किड्स, तो मैंने उसी दिन फिर वो चेंज कर दिया ऑप्शन और शायद इसीलिए नेक्स्ट दिन मुझे ये ऑप्शन आ गया। सो ये शायद पहले का टाइम अलग था जहाँ पे 10K सब्सक्राइबर्स होने पर आपको ये ऑप्शन मिलता होगा, या फिर हमको ये भी लगता था कि 1K होना चाहिए, बट अगर रिसेंट हम देखा रिसेंट पॉलिसीज देखेंगे उनके तो उसमें यही लिखा है कि 500 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। सो अगर आपके 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो आपको कम्युनिटी टैब का ऑप्शन एक वीक या 8-10 दिन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। सो इसी तरीके से मेरे पास भी कम्युनिटी टैब का ऑप्शन आया है यूट्यूब पर। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।